देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। पद यात्रा जो है उसी चरण में जो है आज शिमला में ये पद यात्रा जो है कांग्रेस कार्यालय से चौड़ा मैदान तक जो है वो निकाली जा रही है। महंगा
महंगी, मटर भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, कुंभी प्रधान तुम मगे पड़ो, कुंभी प्रधान तुम मगे पड़ो, ये महंगाई कहाँ से आई, ये महंगाई कहाँ से आई, ये महंगाई कहाँ से आई, प्रधान महंगा, किधर भी महंगा, प्रधान महंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, देश का नेता कैसा हो, उन्हीं प्रधान कैसा हो, अपने भाई तुम मगे पड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अपने भाई तुम मगे पड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंगा बिल्ला की सरकार को, भेजो हरी द्वार को, रंगा बिल्ला की सरकार को, भेजो हरी द्वार को, ये महंगाई कहाँ से आई, भाजपा, अरे ये महंगाई कहाँ से आई, भाजपा, अरे ये महंगाई कहाँ से आई, भाजपा। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, चौड़ा मैदान जो है ये पदयात्रा पहुंच गई है, जो महंगाई के खिलाफ जो है कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई थी। और देख सकते हैं आप बाबा भीमराव अंबेडकर चौक जो है इसको कहा जाता है, और यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं कुलदीप सिंह राठौर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यहाँ तक ये यात्रा जो है वो निकाली गई है। परम आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय श्री कुलदीप राठौर जी, उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, पीसीसी के पदाधिकारीगण, सेवा दल के हमारे शहर के जो मुखिया हैं, यूथ कांग्रेस के मुखिया हैं, महिला कांग्रेस की जो मुखिया हैं शहर की, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आज इस मौके पे पहुंचे, और इसके लिए मैं सबको आभार प्रकट करता हूं। और मैं अनुरोध करता हूं हमारे बड़े भाई श्री कुलदीप सिंह राठौर जी का कि वो दो शब्द आपको कहें। दो शब्द बोल दो, चलो बोल दो। हम वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तमाम मेरे साथी जिन्होंने इस पद यात्रा में हिस्सा लिया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, एक
तो जिस ढंग से एक मुहिम चली है पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान के जरिए लोगों को तो सरकार की जो नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शून्य विकास, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और एक जनमत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ साथियों को कि आप लोगों के प्रयासों से जो आपका 2.5-3 साल का संघर्ष रहा, वही कह रहे हैं लोग साथ मेरे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम इन 4 चुनाव में जीत पाए हैं। तो ये सफ़र हमारा जारी रहना चाहिए। मैं तो स्वयं लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा कर चुका हूँ और ये मेरी मुहिम आगे जारी रहेगी। हम हर क्षेत्र में जहाँ कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, मैं वहाँ जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व होना चाहिए, हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना है। देश में हर गांव में, हर कस्बे में, हमें हर घर में दस्तक देनी है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो अब दस्तक दे रहा है, बहुत नज़दीक है। हमें सब लोगों को ये संघर्ष का जो रास्ता हमने चुना है, इसे हमें तब तक चलाना है जब तक प्रदेश में हमारी सरकार ना बने और हम जो तरक्की के काम बंद पड़े इन कामों को फिर से शुरू करें। और समाज का हर वर्ग जिसे दबाने का प्रयास हो रहा है, हम चाहे कर्मचारी हों, अधिकारी हों, छोटे दुकानदार हों, छोटे व्यापारी हों, युवा हों, महिला हो, समाज का हर वर्ग, हम उनके कल्याण की जो योजनाएं वो हम फिर से शुरू करेंगे। एक बार फिर से सभी साथियों का धन्यवाद। आज हम अंबेडकर चौक पे आके हमने इसलिए यहाँ तक आए क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। जब इन्होंने संविधान में जो प्रजातंत्र और लोकतंत्र में जो बोलने का अधिकार दिया है, आज जो है वो प्रजातंत्र लोकतंत्र खतरे में, आज बोलने के हमारे अधिकार पे पाबंदी लग रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे भी जो है बार बार, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी को ब्लॉक किया गया और उसी तरह से अभी 12 तारीख को दिल्ली में जो महंगाई विरोधी हमारी रैली होनी थी, इजाज़त नहीं मिली। पहली बार इस देश में हुआ कि एक विपक्षी दल जो अपनी बात रखना चाहता है उसे बात रखने की इजाज़त नहीं थी। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था उस वक्त विपक्ष को जो बोलने का अधिकार दिया था, आज हमारा मुँह बंद करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं एक बात